Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video मैं आप सबके साथ share कर रही हूँ Tentena. तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है. तो guys ये है glitter liners. तो मैं आप सबके साथ share कर रही हूँ ये 6 glitter liners जो कि मैंने कहाँ से purchase किए हैं, कितने के किए हैं, कैसे हैं, ये आपको खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए. वैसे मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये. तो ये मैंने purchase किए हैं Nayra से. अगर आप interested होते हो पूरी video देखने के बाद इन्हें purchase करने में तो buying link आपको description box में मिल जाएगा, check कर लेना. किस ब्यूटी ब्रांड की है. एलोवेरा 99% इसमें एलोवेरा यूज कर रखा है. यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो. एंड ये वाटर प्रूफ है. देन इकाई बनी हुई है. देन लिखा हुआ है स्मूथ एंड सॉफ्ट ग्लिटर लाइनर. सो ये आपको 10 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है 149 rupees में. तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ ही मुझे रिसीव हो रहा है. और अब बात आती है कि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सॉफ्ट एंड स्मूथ ग्लिटर लाइनर है और ये 99% इसमें एलोवेरा यूज कर रखा है और ये वाटर प्रूफ है. तो क्या सही में ये वाटर प्रूफ है? तो अगर आप आई मेकअप करोगे तो कितने देर तक ये स्टे रहेगा? तो मैंने इनकी 6 शेड्स मंगाई है और ये मुझे काफी पसंद भी आई है. लाइक अपने एक ट्यूटोरियल में मैंने इसे यूज भी किया है और जो मैंने इसे अच्छे से यूज कर लिया उसके बाद में इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. कि अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हो और जल्दी से आपको आई लुक क्रिएट करना है, आपको आई मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता बट आपको लाइनर लगाना तो आता है, तो इसकी हेल्प से आप बहुत ही सुंदर आई लुक क्रिएट कर सकते हो. इसका फुल एक्सपीरियंस लेके मैं इसे आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो इस तरह की पैकेजिंग के साथ ही है. तो गाइस लगाने में जिस तरह से एलोवेरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, चिकना टाइप होता है, उस तरह से है ये. तो मैंने इसमें 6 शेड्स मंगाई हैं. सो फर्स्ट है ये शेड जो कि मैंने अभी अप्लाई कर रखी है और सारी ही शेड्स मैं आपको ट्राई भी करके दिखाऊंगी. तो इस तरह से थिन ब्रश के साथ ही आता है. तो इसे आप जैसे अभी आपको लाइनर अप्लाई करना है तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं. बट आपको आई लुक क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, अपनी फिंगर की हेल्प से आप इसे इस तरह से ब्लेंड भी कर सकते हैं. इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ. एंड गाइस इसका जो टेक्सचर है सीरियसली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. तो इसे यूज़ करके आप एक मस्त वाला आई लुक क्रिएट भी कर सकते हो. तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो कि जो लुक मैंने आप सबके साथ शेयर किया था इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप वो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना. सो नेक्स्ट है ये शेड जो कि ग्रीन इन कलर है बट ये डिफरेंट कलर है. लाइक इतना अच्छा इसका टेक्सचर है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ है. आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड करोगे ना तो बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं होगा जैसे कई होते हैं ना, थिक कंसिस्टेंसी में हो जाते हैं और ऐसा लगता है आईलिड पे से फिर पपड़ी पपड़ी सी उतर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रिव्यू देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप एक मंगा के देखना. जब आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप बाकी के शेड्स और मंगाओगे. तो ये है इसकी नेक्स्ट शेड. तो गाइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों शेड्स में बट ये थोड़ा सा गोल्डन टेक्सचर में आ जाता है. ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ग्रीन विद गोल्डन टेक्सचर आ जाता है. ये खाली ग्रीन टेक्सचर में आ जाता है. देन इसके बाद है ये शेड जो कि ऑरेंजिश काइंड है. पैकेजिंग सभी के सेम है. सो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया है. यू कैन सी अगेन इसे फिंगर की हेल्प से मुझे हल्का हल्का ब्लेंड करना है. बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि फिंगर की हेल्प से इसे हल्का हल्का मैं ब्लेंड कर रही हूँ और ये कितना सुंदर लग रहा है. अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है. लाइक मैंने इस फिंगर को यूज़ किया था जिससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ. इसे सूखने का टाइम दे बिकॉज अभी ये वाला गीला है. यहाँ से आपको पता लग जाएगा, देखिए ये गीला है अभी. इसे सूखने का टाइम दीजिए, उसके बाद आपका आई लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा. एंड नेक्स्ट इसके बाद मैंने मंगाया है सिल्वर शेड. तो ये थोड़ा सा व्हाइटिश टोन में है. देन नेक्स्ट है ये शेड. सही में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. आपको दिख रहा होगा कि मैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इन्हें आपको दिखाने में भी. तो नेक्स्ट शेड है ये पिंक इन शेड है. तो ऊपर की शेड्स अभी थोड़ी सी वेट है तो इन्हें अच्छे से ड्राई होने के लिए रखना है. इसके सारी शेड्स ट्राई हो चुकी हैं और ये है फाइनल शेड्स.
सो गाइस ये थे मेरे सारे ग्लिटर लाइनर्स जिनका प्राइस है 149 रुपीज़ और ये कितने देर तक स्टे रहते हैं तो गाइस ये मैक्सिमम आपके 4 से 5 आवर्स तक तो इजीली स्टे रहते हैं बिकॉज मैंने मेकअप ट्यूटोरियल में यूज़ किया था और उस दिन उसके बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियो शूट की थी और बिल्कुल लाइट टेक्स्चर के साथ आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि आपने आईज पे इतना ज़्यादा ग्लिटर अप्लाई कर रखा है या कुछ इस तरह से लाइक अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप एक शेड भी ट्राई करके देख सकते हो उसके बाद जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ दी सही कह रही थी बहुत शेड्स है तो गाइस अगर आपको इन्हें परचेज करना हो तो बाइक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चेक कर लेना पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना रेड बटन को प्रेस करके उसके साइड में एक छोटी सी घंटी है उस पर प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।